KYC यानी कि नो योर कस्टमर। आप जानना चाहते हैं आपका भी पीएफ अकाउंट है, आप जानना चाहते हैं कि आपका जो पीएफ अकाउंट है, यूएएन अकाउंट है, उसके साथ कौन कौन सी केवाईसी लिंक है और कौन कौन सी केवाईसी जो है वो अप्रूव है, आपकी कंपनी के द्वारा अप्रूव कर दी गई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप जान सकते हैं अपने पीएफ यूएन अकाउंट में कि आपकी कौन कौन सी केवाईसी लिंक है और कौन कौन सी अप्रूव है। इसके लिए आपको ये पूरी वीडियो देखनी होगी। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शर्मा आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेक्नोलॉजी। काफ़ी सारे लोगों को तो पता होगा इसके बारे में, अगर जिनको नहीं पता शायद मेरी एक वीडियो से उनकी कुछ हेल्प हो जाए। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आपको दिखाता हूँ किस तरह से आप अपनी केवाईसी चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी केवाईसी लिंक है या फिर वो अप्रूव है या फिर पेंडिंग दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई भी इंटरनेट ब्राउजर ओपन करना है और वहां पे टाइप करना है यूएएन लॉगिन। और जब सर्च करेंगे तो यहाँ पे जो है एम्प्लॉई प्रोविडेंट का यूएन को पोर्टल का ये जो वेबसाइट आएगी इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसको ओपन कर लेना है। जैसे इसको ओपन करेंगे इसका होम पेज कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर आपको 12 डिजिट का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर डालना है, यहाँ पे पासवर्ड डालना है और ये जो कोड है ये यहाँ पे डाल के साइन इन कर लेना है। यूएएन नंबर कैसे एक्टिवेट करते हैं, यूएएन नंबर के साथ केवाईसी कैसे लिंक करते हैं, यूएएन नंबर के साथ मोबाइल कैसे रजिस्टर करते हैं, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो का लिंक मैंने दे दिया है, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे 12 डिजिट का यूएएन नंबर डाल देता हूँ, यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ और ये कोड लोग यहाँ पे डाल के साइन इन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 12 डिजिट का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर डाल दिया और ये पासवर्ड डाल दिया, ये कोड यहाँ पे कैप्चा कोड यहाँ पे डाल के मैं साइन इन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे आप लॉग इन करेंगे इसका अंदर का होम पेज कुछ इस तरह से आ जाएगा और यहाँ पे देखिए इस साइड में मेंबर प्रोफाइल का एक ऑप्शन मिलेगा। मेंबर प्रोफाइल, यहाँ पे आपका यूएएन नंबर, आपका नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपका आधार कार्ड नंबर जो है अटैच्ड है उसके लास्ट के 4 डिजिट और वेरीफाई है कि नहीं है वो दिखा देगा। पैन कार्ड भी आपका यहाँ पे दिखा रहा है और वेरीफाइड है कि नहीं है, और बैंक अकाउंट नंबर भी यहाँ पे दिखा रहा है और आपका मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी यहाँ पे दिखा देगा। इसके अलावा यहाँ पे जाके मैनेज का जो ऑप्शन है यहाँ पे जाके और यहाँ पे जो केवाईसी का ऑप्शन है इस पर आपको प्रेस करना है, वहाँ पर आपको पूरी डिटेल दिखा देगा। तो मैं यहाँ पे केवाईसी पे प्रेस कर देता हूँ और जैसे केवाईसी पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो केवाईसी पेंडिंग अप्रूवल है, अगर कोई केवाईसी आपकी पेंडिंग है तो यहाँ पे दिखा देगा इस कॉलम में, और केवाईसी आपकी जो अप्रूव्ड रहेंगी केवाईसी वो यहाँ पे दिखा देगा। तो यहाँ पे पेंडिंग केवाईसी, अगर आपकी कंपनी के द्वारा कोई पेंडिंग है या आपने कोई ऐड करी है वो अभी तक अप्रूव्ड नहीं हुई है वो यहाँ पे दिखा देगा, और जो अप्रूव्ड केवाईसी है वो यहाँ पे दिखा देगा। तो इस तरह से आप अपनी केवाईसी चेक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और आगे भी मैं आपके लिए इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज बेस्ड वीडियो लेके आऊंगा। अगर आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हो, प्रदीप भाई को सपोर्ट करना चाहते हो, तो सिंपल आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। भाई सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते, कर लिया करो यार, वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, इसमें कोई पैसे नहीं लगते। बस भाई को अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो, लाइक करते हो, तो मेरा देख के बहुत मजा सा आ जाता है कि यार मेरी वीडियो को आप भाई लोग पसंद कर रहे हैं। और सब्सक्राइब करने से ये होता है कि भाई हमारी जो यूट्यूब की जो फैमिली है वो मतलब कहाँ तक पहुँच गई है, अभी लगभग 2,00,000 जो है 29,000 के समथिंग मेंबर कंप्लीट हो गए हैं। जल्दी से 3,00,000 पहुंचा दो यार, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।